हेलो दोस्तों, आज मैंने एक इंस्टाग्राम रील देखा है। वो रील इतनी घिनौनी थी कि उसको देखने के बाद मुझे अपने बच्चों की और भविष्य की पीढ़ियों की फिक्र होने लगी। उसी फिक्र की वजह से मैं ये पॉडकास्ट बना रहा हूँ। ज़्यादातर एडल्ट, वल्गर, न्यूडिटी, बोल्ड कंटेंट, ऐसे कंटेंट दिखाने से पहले या इनके बारे में बात करने से पहले एक डिस्क्लेमर दिया जाता है कि ये कंटेंट सिर्फ 18 प्लस के उम्र के लोगों के लिए ही है। लेकिन मैं आज के चंद लफ्ज़ों में इसी कंटेंट पर बात करने वाला हूँ, लेकिन मैं ऐसा कोई भी डिस्क्लेमर नहीं दूंगा। क्यों दूं? आज हर कोई 24/7 वल्गर, न्यूडिटी, एडल्ट कंटेंट से घिरा हुआ है, तो डिस्क्लेमर की जरूरत ही क्या है? जो रील मैंने देखा था उसे मुझे मेरे दोस्त ने भेजा था। उस रील को देखते ही मैं सच में शॉक हो गया था, क्योंकि उस वीडियो में एक महिला थी जो अपना चेहरा कपड़े से ढकी हुई थी। उसके बदन पर बहुत कम कपड़े थे, कपड़े इतने कम थे कि उसे न्यूड कहना शायद सही रहेगा। हाँ, वो न्यूड ही थी, बस चेहरा छुपाई हुई थी। उस वीडियो में वो अपने शरीर के साथ अश्लील हरकतें कर रही थी। अब आप सोचेंगे कि क्या मैं पगला गया हूँ जो ये सब बातें कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे बस इस बात का दुख है कि आजकल की जमाने में सोशल मीडिया पर सरेआम एडल्ट कंटेंट परोसा जा रहा है। कुछ लोग ऐसे कंटेंट को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग इससे मजा लेते हैं। उन लोगों का लगता है कि ऐसी कंटेंट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका शिकार हमारे भविष्य की पीढ़ी यानी आजकल के बच्चे बच्चियां हो रही हैं। मैं जो आज रील देखा था वो महज 30 सेकंड का इंस्टा रील था। जब मैं उस महिला की अकाउंट को चेक किया तो पूरा का पूरा उसका अकाउंट ऐसे ही गंदी वीडियो से भरा पड़ा था। लेकिन ऐसा कंटेंट वो क्यों बना रही है? उस महिला की ऐसी क्या मजबूरी है जो वे अपनी बदन का ऐसे इस्तेमाल कर रही है? चलिए आज के चंद लफ्जों में इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं कि सोशल मीडिया पर फैली इस गंदगी से हमारे समाज और बच्चों को कैसे बचाया जाए। हाल ही में एक न्यूज सामने आई थी जिसके खिलाफ कई लोगों ने अपनी आवाज उठाए थे। मामला यूपी के गाजियाबाद का है। एक 24-25 साल की लड़की थी, वो निफ्ट से पढ़ाई की हुई थी और दिल्ली के किसी कंपनी में जॉब भी कर रही थी। उसका एक यूट्यूब चैनल था जिसका नाम कुमारी बेगम था। इस चैनल पर वो अश्लील बातें करती थी। अपने यूजर्स में जो नवजात बच्चे होते हैं उनको गंदी गंदी हरकतें करना सिखा रही थी। अब आप सोचेंगे कि इतनी पढ़ी लिखी होकर भी इतना घटिया काम कोई कैसे कर सकता है? चलिए इसका भी जवाब आपको आगे बताता हूं। कर लो दुनिया मुट्ठी में, आप में से कई लोग ये स्लोगन सुना ही होगा। और आज सच में दुनिया हमारी मुट्ठी में है। आज की पीढ़ी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। पूरी दुनिया अपनी उंगली के इशारे पर चल रही है। इसकी वजह सोशल मीडिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स, इन प्लेटफॉर्म्स पर अब सब कुछ है। अगर कभी आप बोर हो गए और सोशल मीडिया ओपन किए तो ये पता ही नहीं चलता कि कब घंटे गुजर गए। इतनी शक्तिशाली है हमारी सोशल मीडिया। और तो और, सोशल मीडिया की दुनिया इतनी बड़ी है कि आप इसमें घुस गए तो आप उस भूल भुलैये से बाहर आना ही भूल जाएंगे। इसका नशा इतना जबरदस्त होता है कि एक बार किसी को चढ़ जाए तो जिंदगी में कभी नहीं उतरेगी। लेकिन ये सब कैसे हो गया? सोशल मीडिया हमारी जिंदगी में इतना कैसे घुस गया? तो चलिए इसका भी जवाब दे देता हूं।
जब दुनिया में सोशल मीडिया नया नया आया था, उस समय लोग अपने अपने अनोखे टैलेंट दिखाकर व्यूज, लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाते थे, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ साथ अच्छे खासे पैसे भी कमा लेते थे। लेकिन उसके बाद लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की चमक धमक देखकर सारी हदें भूल गए। कमाई के लालच में लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलोअर्स के लिए बेशर्मी बन गए। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो लोग नंगाई पर उतर गए हैं। सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के चक्कर में लड़कियां खुलेआम अपने कपड़े उतार रही हैं, अश्लील हरकतें कर रही हैं। वही अगर कोई ऐसे हरकतों का विरोध किया तो सामने से ये कहकर उनको चुप करा दिया जाता है कि माय बॉडी और माय राइट, मैं अपने शरीर किसको दिखाऊं या कुछ भी करूं, ये मेरी मर्जी है। ऐसे बातें सुनकर बहुत लोगों को और सहम मिल जाता है और उनको भी ऐसा लगने लगता है कि भाई सच ही तो बोल रहे हैं, इसमें गलत क्या है, हमारे शरीर है, हम किसी को दिखा या कुछ भी करें, ये हमारी मर्जी है। जिससे ऐसे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और वो सब गंदे हरकतें करते हुए, उसका वीडियो बनाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने लगे। खाने से लेकर सोने तक, प्यार से लेकर बिस्तर तक, हर चीज को आजकल दुनिया से साझा किया जा रहा है। आजकल कुछ भी पर्सनल नहीं है, लोग अपना सब कुछ पब्लिक कर खुद को कूल बता रहे हैं। अगर एक बात मैं कहूं तो सब के सब बीच सड़क पर नंगा खड़ा होकर अपने को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं। ये पागलपन आजकल इतना बढ़ गया है कि किसी की मौत भी हो जाए तो उसका भी वीडियो बनाया जा रहा है। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर अपनी जान भी दे रहे हैं, तो वही कुछ लोग पॉपुलर होने की चक्कर में अपनी जान तक गंवा रहे हैं। प्रैंक के नाम पर लोगों के इमोशन से, फीलिंग से खेला जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। बस ये यहां तक सीमित नहीं है, कुछ महान लोग तो ऐसे हैं जो अपने बाथरूम और बेडरूम के वीडियोस भी ऑनलाइन में अपलोड करके पैसे कमा रहे हैं, यानी चंद पैसों के लिए इस हद तक गिर गए हैं। क्या ये सही है? ऐसा इन्फ्लुएंसर का समाज को क्या सच में जरूरत है? मैं यहां पर सोशल मीडिया की बुराई ही नहीं कर रहा हूं, सोशल मीडिया पर हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने टैलेंट से इसको अपना करियर भी बना सकते हैं, दुनिया की हर जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, ऐसे बेहद कीमती जानकारियां यहां आपको मिलते हैं जिसे आप अपनी जिंदगी बना सकते हैं। ये बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूं, YouTube से पढ़कर कई ऐसे लोग हैं जो IAS बने हैं, कई छात्र ऐसे हैं जो कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी ऑनलाइन से किए हैं और सरकारी नौकरियां पा रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो सोशल मीडिया की सहायता से अपनी स्किल को बेहतर बना रहे हैं और अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सब हमारे समाज में सिर्फ और सिर्फ 1% है, बाकी सब इसे गंदे कामों के लिए या खुद गंदा करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो अब आप ही सोचिए कि सोशल मीडिया को हम कैसे यूज करें और हमारे बच्चों को ये कैसे सिखाए कि सोशल मीडिया को सही तरीके से कैसे यूज करें और अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़े। मेरा तो बस यही कहना है कि सोशल मीडिया आपको एक अच्छा सा मौका देता है जिससे आप दुनिया को जान सकते हैं और अपने आप को दुनिया के सक्षम बना सकते हैं। फालतू के चीज़ों से दूर रहे और सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने स्किल को बेहतर करने के लिए करें। अब फैसला आपके हाथों में है। खैर, यह है आज के चंद लफ्ज़। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए।
और ऐसा ही मजेदार पॉडकास्ट के लिए हमारे हिट टीवी टुडे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और हर पल की खबरों के लिए हमारे हिट टीवी शॉर्ट न्यूज ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। अगले हफ्ते ऐसे ही और एक मजेदार पॉडकास्ट के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद और अलविदा।